शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश हुए जारी, देखते हैं आदेश। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा यह आदेश जारी किया गया है दिनांक 14/3/2024 को। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। राष्ट्र शासन एतद द्वारा सक्षम स्वीकृति उपरांत निम्नांकित लोक सेवकों को उनके नाम के सम्मुख तालिका कॉलम क्रमांक 7 से 8 में अंकित संस्था एवं जिले में समान सामर्थ्य एवं वेतनमान के स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है। तो यह शिक्षक का नाम दिया गया, पदस्थ संस्था का नाम दिया गया और जहां इनका ट्रांसफर किया गया उस संस्था का नाम दिया गया है। इन नियमों और शर्तों के सहित इन्हें स्थानांतरण मिला है। संबंधित लोक सेवक का स्थानांतरण आदेश जारी होने पर उसकी ई सेवा पुस्तिका से स्थानांतरण आदेश में उल्लेखित जानकारी का मिलान करने के उपरांत ही सही पाए जाने पर ही कार्यमुक्त किया जाए। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संकुल प्राचार्य का होगा। संबंधित लोक सेवक पदस्थी संस्था में बगैर सूचना के लंबी अवधि से अनुपस्थित होने की स्थिति में स्थानांतरण स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। स्थानांतरित लोक सेवक संकुल केंद्र में उपस्थित देने के उपरांत स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण करेगा। इसकी लिखित सूचना संकुल केंद्र के माध्यम से विकासखंड अधिकारी को देना सुनिश्चित करेगा। स्थानांतरित लोक सेवक अपना समस्त कार्यभार सौंपने के उपरांत ही कार्यमुक्त होंगे। यदि संबंधित लोक सेवक अध्यापक संवर्ग का है तो स्कूल शिक्षा विभाग में अंतर्गत नवीन संवर्ग में नियुक्ति नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में ऐसा आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। तो यह शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी होने से संबंधित आदेश जारी किया गया है। इन नियमों और शर्तों के सहित इन्हें स्थानांतरण दिया गया है। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।